दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मस्त पढ़ाई में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे होंगे, और आने वाली परीक्षा में आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस आशा से अपनी पढ़ाई को बढ़ाइए। और दिया गया है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। इसी जोश और जुनून के साथ अपने पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए। दिया गया क्वेश्चन, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण किसे माना गया है? तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण जो है वो आपका मत्स्य पुराण है। जबकि आप देखेंगे कि जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? आपका ऋग्वेद है, ठीक है। और सबसे प्रामाणिक और पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, निम्नलिखित में से सम्मिलित है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका उसके सामने वाली जो रचना है उसके उसी लेखक की दी गई है। दिया गया है टेसियस, हिस्टोरिका, गलत है, क्योंकि हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है आपका हेरोडोटस की है, हेरोडोटस इसके है, तो ये भी गलत हो गया। और मेगस्थनीज की इंडिका है, सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने प्रारंभ किया? तो हम जानते हैं कि जो आपके यवन शासक थे, जो कि कनिष्क वगैरह जो थे, वो आपके ये सिक्कों पर लेख लिखने का और स्वर्ण सिक्के चलाने का सबसे प्राचीन प्रमाण इन्हीं का मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कौन किया था? तो आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका दामाद भी था, और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की। इसके मरने के बाद इल्तुतमिश इसका गुलाम हुआ, जो कि इसका भी ये भी इसका दामाद था, और इसने आगे सत्ता को चलाया। तो इसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, जो कि 1206 में दिल्ली के शासन गद्दी पर बैठा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए हैं, आगा खां एवं सलीम उल्ला द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? मुस्लिम लीग की स्थापना जब जो की गई थी आगा खां और सलीम उल्ला नामक दो व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जो कि ढाका जब पहले जो था पाकिस्तान, मतलब जो आपका बांग्लादेश बना हुआ है पाकिस्तान से अलग करके, ये इसमें था, जो कि पाकिस्तान में था, मतलब पहले ये भारत का ही पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत जो था वो पहले एक ही देश था भारत के नाम से, जिसमें अंग्रेज़ों ने शासन किया। तो आपका जो इन्होंने आगा खां और सलीम उल्ला ने जो मुस्लिम लीग की स्थापना की वो कब की? 1906। ये हाईलाइट हो गया क्वेश्चन, तो आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1906 ईस्वी में, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है कि जो महात्मा गांधी द्वारा हरिजन संघ की स्थापना, हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दिल्ली में इसके मुख्यालय है और इसका अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला, जो कि उस समय के उद्योगपति थे, ठीक है। विट्ठल दास को इसका जो ये बनाया गया, क्या बोलते हैं, सचिव बनाया गया, और ये 1933 में इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। 13 सितंबर था वो, 13 सितंबर 1929 को इसका जो नाम है वो हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका, इसका अध्यक्ष कैसे बनाया गया? घनश्याम दास बिरला को बनाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट का नहीं है? जो पश्चिमी तट है आपका, ठीक है,
ये आपका जो गुजरात साइड के तट हैं ये पश्चिमी तट आते हैं, तो आपका गुजरात हो गया और मरमा गोवा, गोवा का तट हो गया, मुंबई का तट हो गया, ये सभी पश्चिमी तट हैं, जबकि पारादीप जो है उड़ीसा का, ये आपका पूर्वी तट में आता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है। हम लोगों ने जब एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी थी तो उसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर हमने पढ़ा था। ठीक है, जो कि आपके उत्तर से पूर्व से पश्चिम से की लंबाई से कहीं ज़्यादा है। 30 देशांतर का हमारा उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, जबकि हमारा 3214 किलोमीटर का विस्तार इसमें उत्तर से दक्षिण का है। ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैनबरा किस देश की राजधानी है, तो हम जानते हैं कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इस तरह से आप राजधानियाँ देख लीजिएगा, याद कर लीजिए सभी देशों की, अपने पड़ोसी देशों की, श्रीलंका की, भूटान की, इन सभी की आपको राजधानियाँ भी क्लियर होनी चाहिए। दिया गया है विश्व दिन कब होता है। विश्व दिन जो होता है आपका कब होता है, दिन और रात दोनों आपस में 12-12 घंटे के होते हैं। जब दिन और रात आपस में बराबर होते हैं अर्थात 12-12 घंटे के होते हैं, तब उस दिन को क्या कहा जाता है, विश्व दिन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है चंद्रमा को सुपर मून किस अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा को सुपर मून किस अवस्था में कहा जाता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसको सुपर मून की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा, तो हम जानते हैं इसमें सूर्य परमाणु संलयन की प्रक्रिया होती है, लेकिन परमाणु संलयन किस चीज़ का होता है, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सूर्य में परमाणुओं का, हाइड्रोजन परमाणुओं का संलयन जब होता है तो वो उसमें सूर्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 100 वाट का एक बिजली का बल्ब लगातार 10 घंटे जले तो कितनी कितनी बिजली खर्च होगी, तो देखेंगे कि दिया गया है 100 वाट। ठीक है, 100 वाट बिजली खत्म होती है, 100 वाट का एक बिजली का बल्ब लगातार 10 घंटे जलता है। 100 वाट का जो बल्ब है वो एक बल्ब जलता है। ठीक है, और कितनी देर जलता है, 10 घंटे जलता है, 10 घंटे चलता है, तो कितना हो गया, सबका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा पूरा 1000 पावर आ जाएगा, 1000 वाट। तो ये जो है हम 10 की घात में जब परिवर्तित करेंगे तो किलोवाट घंटा में, तो आ जाएगा हमारा 10 की घात 3, 1 × 10 की घात 3। तो हमारा जानते हैं कि ये जो 10 की घात 3 आया है किलोवाट प्रति घंटा में, तो हमारा हो जाएगा ये किसके बराबर है, 1 यूनिट के। ठीक है, तो हमारा इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, हल्दी में जो पीला रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका कुरकुमिन के कारण होता है, कुरकुमिन के कारण होता है। ठीक है, हल्दी में जो पीला रंग है वो कुरकुमिन के कारण होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है, तो किस आधार पर होता है, जो बच्चों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वो किस आधार पर होती है, वो पिता के गुणसूत्र के आधार पर होती है, क्योंकि माँ के पास आपका गुणसूत्र कौन कौन सा होता है, एक्स एक्स होता है, जबकि पिता का एक्स वाई होता है। जब इसमें से जाके एक्स मिलता है और इसमें से एक्स मिलता है तो लड़की होती है, मतलब डबल एक्स हो जाता है,
और अगर यहाँ से वाई गया तो ये एक्स और वाई मिला के आपका लड़के का जन्म करता है। तो इस तरह से पिता के गुणसूत्र पर मतलब अधिकतर ज़्यादा ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टी पिता के गुणसूत्र की होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया गया है एक सुमिलित नहीं है, उसको आपको बताना है जो कि जो सुमिलित नहीं है। दिए गए हैं एक को एक सुमिलित नहीं है आपको, जो कि बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। एनीमोमीटर जो कि है मतलब पवन की पवन वेग नापने के काम में आता है। अमीटर दिया गया है विद्युत धारा के नापने के काम आता है। ट्रैकियोमीटर जो है ये दाबांतर मापने के काम में नहीं आता है, जो कि वायुयानों तथा जो पानी की जहाज होती है उसकी गति के नापने के काम में आता है ट्रैकियोमीटर। और जो पायरोमीटर होता है वो आपका ये उष्णता या उच्च ताप मापने के काम में आता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है निम्नलिखित में से 3 मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि डिप्टी गवर्नर जो नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया, टी रविशंकर को नियुक्त किया गया। ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया वो टी रविशंकर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का एकमात्र उद्योग जिस कोर इंडस्ट्री जिसने वित्त वर्ष 2020-21 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में धनात्मक वृद्धि दर्ज की, तो इसमें आपका कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें धनात्मक वृद्धि दर्ज हुई, तो आपका रासायनिक उर्वरक जो है, ये जो आपका रासायनिक उर्वरक है इसमें आपके धनात्मक वृद्धि दर्ज हुई, या आपका जो नीम कोटेड यूरिया है वो उसके आ जाने से उसका मिसयूज जो होता था यूरिया का वो कम हो गया। तो ठीक है, कृषि उत्पादन में ही उसका यूज हो पाता है। तो इस तरह से आपका रासायनिक उर्वरक जो है उसमें वृद्धि हुई, धनात्मक वृद्धि हुई। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देश का पहला गो अभ्यारण्य कामधेनु गो अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया, जो आपका कामधेनु गो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थापित किया गया, तो आपका मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, ये आपका ये कामधेनु गो अभ्यारण्य जो बनाया गया जो मध्य प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दिया गया नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को जारी संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक भारत सूचकांक 2020-21 में भारत का कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर है, तो हम देखेंगे कि सबसे निचले पायदान पर इसमें बिहार है जो कि 52 अंकों सहित है। ठीक है, जबकि झारखंड 56 अंकों सहित सबसे मतलब दूसरे निचले स्थान पर है। और तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि बिहार है सबसे निचले पर सतत विकास लक्ष्य में, मतलब ये आपका संपोषणीय विकास लक्ष्य में सबसे निचले पायदान पर 52 अंकों सहित बिहार को बताया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत द्वारा जून 2021 में जारी सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली 2019 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो आप देखेंगे कि लिंगानुपात जो NRC रिपोर्ट आई है इसके अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में 1024 है। ठीक है,
1024 के सहित ये सबसे आगे है, ठीक है। जन्म के समय लिंगानुपात सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है देश का पहला CDS कौन था, तो आप जानते हैं हमारे सबसे पहले वीर सपूत, जो कि अभी हाल ही में दिसंबर में 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए, वो बिपिन रावत सर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीति आयोग द्वारा जारी संपोषणीय विकास लक्ष्य, फिर वही क्वेश्चन आ गया, सूचकांक भारत सूचकांक 2020-21 में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर है। तो सबसे ऊपर जो है आपका शीर्ष स्थान पर केरल है, जबकि सबसे निचले क्रम में देखा आपने कि ये 75 अंकों सहित सबसे ऊपर पायदान पर है, जबकि सबसे निचले पायदान पर आपका बिहार है 52 अंकों सहित, ठीक है। 52 अंकों सहित बिहार है और सबसे ऊपर, जबकि दूसरे नंबर पर आपका हरियाणा है, ठीक है। 72 अंकों हरियाणा है, जो कि 72 अंकों सहित है। तो इसमें कौन किस आधार पर अंक दिए जाते हैं, आपका आर्थिक आधार हो गया, आपका जो कि विकास के आधार हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपका केरल जो है जो कि शीर्ष स्थान पे सतत विकास लक्ष्य के उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अक्टूबर 2020 में अगरकर अनुसंधान संस्थान ARI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई गेहूं की किस्म है। अगरकर जो गेहूं की किस्म अगरकर अनुसंधान द्वारा ARI द्वारा जो विकसित की गई, यस 6477, ठीक है, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा है 14%, इसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया गया है, इसी सभी अनुपातों के जरिए इस ये विशेष एक गेहूं की किस्म है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की ई आधारशिला कहाँ रखी गई, जो आपकी ई आधारशिला है वो कहाँ, शिला आपकी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रखी गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसकी आधारशिला रखी गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की ई आधारशिला कहाँ, ई आधारशिला जो रखी गई मतलब इलेक्ट्रॉनिक आधारशिला जो रखी गई वो देहरादून में रखी गई। तो इस तरह से आपके ये 25 क्वेश्चनों के ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको आपकी तैयारी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और लगे रहिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों लगातार परिश्रम जारी रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप परिश्रम करते रहिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि चैनल भी ग्रो कर सके और हम आपके बीच एक अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें, जिससे कि आपको तैयारी में एक नया आयाम मिल सके, जल्द ही आप सफल